देखिए, ये देखा गया है कि हमारे देश में लगभग एक अनुमान के हिसाब से 25% आबादी जो है अर्बन एरिया में वो ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, और रूरल एरिया में भी 10% के करीब जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी पाई गई है। और ब्लड प्रेशर की दवाइयां लोगा शुरू तो कर देते हैं डॉक्टर की सलाह से, लेकिन जब उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो फिर वो डॉक्टर से सलाह नहीं लेते, क्योंकि वो ये मान के चल गए कि अब ये ठीक हो गया है, और वो अपने आप ही दवाइयाँ छोड़ देते हैं। सामान्यतः ब्लड प्रेशर में चूंकि बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते, इसलिए हम इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। साइलेंट किलर का मतलब है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन उनको कोई भी लक्षण नहीं होते। बहुत से लोगों में ये देखा गया कि अगर उनको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है या कुछ होता है तो वो उसको उससे कोरिलेट करते हैं कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और फिर वो जाँच कराते हैं या उस समय इरेगुलर तरीके से दवा लेते हैं। ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि जब हम देखिए ब्लड प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल करते हैं और अगर आप दवाई छोड़ देते हैं तो जो ब्लड प्रेशर आपका पहले का लेवल है उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है, और इस ज़्यादा बढ़ने से आपको ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है, आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, या लगातार ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से आपकी किडनी खराब हो सकती हैं। तो इसलिए मैं हर सुनने वाले को, श्रोता को ये जागरूक करना चाहूँगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो जो भी डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ बताई हैं उनका नियमित सेवन करें। अगर आपके मन में किसी तरीके की दुविधा है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। दवाइयों की मात्रा को बढ़ाना है या घटाना है वो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से करें, स्वयं के डॉक्टर ना बने, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है।